hello my lovely students today we are going to read chapter 9 India my country now you should know what is the meaning of India my country now India is the name of our country Hamare India so today in this chapter we are going to read it and understand and learn some facts about India so let's begin Would you like to know more about your country? Here are some interesting facts. क्या आप अपनी कंट्री के बारे में और जानना चाहते हो लेट्स इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इंडिया इज द सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड आपको पता है पूरे वर्ल्ड में पूरी दुनिया में इंडिया सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री है दी अरेबियन सी दी बे ऑफ बंगाल एंड द इंडियन ओशन सराउंड इट ऑन थ्री साइट्स इंडिया के तीनों साइट्स में अरेबियन सी बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशन है इन तीनों से इंडिया जो है सराउंडेड है घिरा हुआ है द हिमालय फॉर्म अ वॉल इन द नॉर्थ और नॉर्थ में हिमालय की रेंज है जो एक वॉल का फॉर्म लिया हुआ है नेक्स्ट पैराग्राफ डिड यू नो दैट इंडिया वॉज नेम्ड भारत आफ्टर वेरी ब्रेव रूलर ऑफ एंशंट इंडिया क्या आपको पता है इंडिया का नाम भारत कैसे पड़ा? इंडिया का नाम भारत पड़ा क्योंकि एक बहुत ही ब्रेव रूलर थे इंडिया के जिनका नाम था भारत भरत वाज़ द फेयलिस्ट सन ऑफ किंग दुष्यंत एंड शकुंतला ही कुड काउंट द टीथ ऑफ अ लाइंस कब वाइल प्लेइंग विद इट भारत बहुत ही निडर सन था जिसके जो फादर थे वो बहुत बड़े किंग थे जिनका नाम था दुष्यंत और उनकी मदर का नाम था शकुंतला और ही वॉज सो फेयरलेस, इतना फेयरलेस थे वो कि वो खेलते हुए भी लाइन्स कब के टीथ काउंट कर सकते थे द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया रिमाइंड्स अस दैट वी ऑल वी आर ऑल सिटीजन्स ऑफ वन नेशन इवन दो वी बिलोंग टू डिफरेंट स्टेट्स एंड स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज हमारे इंडिया का जो नेशनल फ्लैग है वो हमें याद दिलाता है कि हम सारे एक नेशन के एक देश के सिटीजन्स हैं और भले ही हम दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं कोई जम्मू का है कोई वेस्ट बंगाल का है कोई राजस्थान से है कोई गुजरात से है कोई पंजाब से है लेकिन वी ऑल आर सिटीजन्स ऑफ वन नेशंस और वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस हम अलग अलग भाषाएं है, बोलते हैं कलर सेफ्रेंट स्टैंड फॉर करेज वाइट फॉर ट्रुथ एंड ग्रीन फॉर लाइफ नाव यू शूड नो दैट एक इंडियन नेशनल फ्लैग में थ्री कलर्स होते हैं सबसे टॉप पे सेफ्रन कलर होता है दैट स्टैंड फॉर करेज ठीक है करेज मीन्स हिम्मत कहते हैं जिसे हम इन द मिडल देयर इज वाइट कलर मिडल में वाइट कलर होता है जो इंडिकेट्स करता है ट्रुथ सच्चाई एंड ग्रीन फॉर लाइफ जो सबसे बॉटम में थर्ड नंबर पे जो कलर होता है दैट इज ग्रीन दैट स्टैंड फॉर लाइफ दक्र व्हील इन द सेंटर इज ब्लू एंड हैज्वेंटी फोर स्पोक्स नाउ इन द मिडल ऑफ द फ्लैग देअ इज अ चक्र जैसे कि आपने देखा होगा फ्लैग के बीच में एक चक्र होता है दैट इज ब्लू इन कलर एंड देर आर ट्वेंटी फोर स्पोक्स इन इट उस चक्र के बीच में ट्टी फोर स्पोक्स होते हैं नाउ वी विल रीड पेज नंबर एट्टी फाइव एवरी फ्री नेशन हेज ए नेशनल एम्बलम हर नेशन का एक नेशनल एम्बलम होता है राष्ट्रीय चिन्ह होता है आर कंट्री हैज़ वन टू हमारे कंट्री का भी एक नेशनल एम्बलम है यू कैन स्पॉट इट ऑन कॉइंस करेंसी नोट्स एट्सेट्रा ये जो हमारा नेशनल एम्बलम है ये हम कहाँ देख सकते हैं कॉइन्स में देख सकते हैं और करेंसी नोट्स में पैसों में जो नोट्स होते हैं टेन का ट्वेंटी का हंड्रेड का जो नोट्स है उनमें हम ये देख सकते हैं इट हैज़ फोर लाइन्स फेसिंग द फोर डायरेक्शंस एंड द व्हील इन द सेंटर हैज़ अ बुल ऑन द राइट एंड अ हॉर्स ऑन द लेफ्ट हमारे नेशनल एम्बलम में फोर लाइन्स होते हैं जो कि फोर डायरेक्शंस में जिन्होंने अपना फेस किया होता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ में एंड इसके नीचे एक व्हील है और उस व्हील के राइट right पे एक बुल है और लेफ्ट में एक हॉर्स है एज यू कैन सी इन द पिक्चर द वर्ड्स सत्यमेव जैते आर इनस्क्राइब्ड बिलो इसके नीचे सत्यमेव जैते लिखा होता है जन गण मन इज द नेशनल एंथम कंपोस्ड बाबीन्द्र नाथ टैगोर वाइल वंदे मातरम इज द नेशनल सॉन्ग कम्पोज बाय बंकिम चंद्र चैटर्जी क्या आपको पता है जन गण मन जो हमारा राष्ट्रीय राष्ट्रीय गान है जो नेशनल एंथम है वो किसने लिखा है यस yes, रबींद्रनाथ टैगोर जी ने और वंदे मातरम जो कि हमारा राष्ट्रीय गीत है नेशनल सॉन्ग है वो किसने कंपोज किया है किसने लिखा है वो है बंकिम चंद्र चैटर्जी द लोटस अ सिंबल ऑफ ब्यूटी एंड प्योरिटी इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया लोटस जो कि किसका सिंबल है ब्यूटी एंड प्योरिटी का ब्यूटी मीन्स सुंदरता प्योरिटी शुद्धता जो कि इंडिया का नेशनल फ्लावर है इट इज़ द स्ट्रांग एंड पावरफुल टाइगर विच इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया नाउ एज यू यू कैन सी इन द पिक्चर दिस टाइगर इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया इज द ब्यूटिफुल पेकॉक यू मस्ट बी अवेयर दैट द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया इज पिकॉक इंडिया सेलिब्रेट्स थ्री नेशनल डेज दे आर दी इंडिपेंडेंस डे द रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती इंडिया थ्री नेशनल डेज सेलिब्रेट करता है कौन से है वो थ्री नेशनल डेज इंडिपेंडेंस डे जिस दिन हमें इंडिपेंडेंस मिली थी रिपब्लिक डे जिस दिन इंडिया का संविधान लिखा गया था एंड गांधी जयंती